मेरे किसान बहनों और भाइयों, आज मैं ओला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं। अभी विदिशा में हूं, फिर सागर जाऊंगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं पूरे मध्य प्रदेश के उन सब किसानों से जिनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है। हर खेत में मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, आप सब जानते हैं, क्योंकि हजारों हजार किसानों का नुकसान हुआ है। अब ये सर्वे होगा, कई जगह सर्वे चल रहा है। कोई किसान ये चिंता ना करे कि मेरी अगर नुकसान हुआ तो फसल का सर्वे नहीं होगा। हाँ, फसल का नुकसान हुआ है, हर खेत का सर्वे किया जाएगा, और सर्वे भी मानवीय दृष्टिकोण से होगा। लेकिन किसान भाइयों, दिक्कत है, परेशानी है, आपदा है, संकट है, लेकिन इस संकट से मैं पार करके आपको ले जाऊंगा, इसलिए आया हूं। कुछ जगह मैंने दौरा किया और तभी मैंने वीडियो संदेश के माध्यम से आप सबको आश्वस्त किया था कि आफत है, दिक्कत है, परेशानी है, संकट है। इन संकट की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी है, इस संकट के पार निकाल के आपको ले जाएंगे। आज क्लिक करके लगभग 160 करोड़ रुपए की राशि ओला प्रभावित किसानों के खाते में डाली, और एकमात्र मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां 50% से ज्यादा नुकसान पर 32,000 रुपया प्रति हेक्टर की दर से हम राहत की राशि दे रहे हैं। हमने प्रभावित किसानों की कर्ज वसूली स्थगित की थी, कर्ज का ब्याज भरने का फैसला भी हमने किया,